साथियों जिंदाबाद। मैं तो कोई कलाकार और या कॉमेडियन नहीं हूँ, नहीं गीत गाने के लिए आज का मौका है, पर बहुत बड़ी ताकत यहाँ आई है और बहुत बड़ी ताकत आई है और एक एक को चुन चुन कर मैं देख रही हूँ तो लग रहा है कि क्या ये सब लोग सही में एक परिवर्तनकारी शक्ति अपने आप में और एक परिवर्तनकारी सोच लेकर आगे बढ़ने की तैयारी के साथ ही यहाँ से लौटेंगे। मुझे विश्वास है, आशा है और कुछ आशंकाएं भी हैं, लेकिन ये जो पूरी एक कहानी कहने के लिए मुझे सत्या भाई ने कहा, एक कहानी नहीं पर हकीकत, और वो भी एक धूप छांव से भरी हुई है, ऐसी आपके सामने इसलिए केवल रख रही हूँ क्योंकि उससे अगर कुछ विश्लेषण के बिंदु हम चुनकर आगे की बातों पर और कार्यों पर सोचे, और बहुत समय आज के मीटिंग का नहीं कह रही हूँ पर बहुत समय बीत चुका है मेरे अंदाज से, और देर होगी तो अंधेर ही होगी, और इसलिए बहुत जल्दी है समझिए, और इसलिए भी विश्लेषण कुछ है। बाकी कोई बड़ी लंबी कहानी पिछले की कहने की ज़रूरत नहीं, पर यह निश्चित कि चुनाव में उतरना पहली बार जिनके कारण मैंने किया, उन लोगों को अभी कुछ कटघरे में खड़े करके मुझे पूछना है कि क्या आपने मुझे ग्रिल किया, बताया, समझाया कि नहीं नहीं आंदोलन के साथ साथ ये राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन भी ज़रूरी है, जो बात हम सब लोग मानते हैं समझते हैं, लेकिन ये राजनीतिक परिवर्तन की बात सही में एक दिल्ली तक सीमित न होते हुए जब गली गली में जानी है, तब वो कैसी जानी है और कितनी जानी है, इसके कुछ अनुभवी लोग हम लोग साबित हुए हैं, ये मैं उनको खड़ी करके कहना चाहती हूँ, और ये स्वाभाविक है, पर इससे जो एक अनुभव से जो निकला है वो मुझे लगता है कि पिछले दशकों तक जन आंदोलनों में लगे रहते हुए दलीय या चुनावी राजनीति का जो विश्लेषण हम लोग करते थे उससे कोई अलग चित्र नहीं आया है, वही चित्र है, न केवल भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, वही चित्र है जात पात मजहब के नाम पर वोट बैंक तय करने का, वही चित्र है आखिरी कुछ दिनों में वोटों का गड्ढा लेकर निकल जाने का, अब आगे का चित्र क्या होगा वो हमको तय करना है। और लेकिन इस चित्र को, इस पटल में जब हम लोग एक बिंदु लगाने गए तो हमने क्या सोचा था, उसमें क्या ताकत थी और क्या कमियां थी, ये मुझे लगता है अपने आप ने मूल्यांकन करना ज़रूरी है। मैं वो फॉर्म जो भेजा गया था उसको बहुत गहराई से भर चुकी हूँ और दे चुकी हूँ, पर वो इसलिए है क्योंकि चुनाव के बाद मुझे कई रातें ये सपने आते रहे कि हम क्या कर सकते थे और जो नहीं किया, और वो हमारी खुद की कमियां हैं, हम सबकी भी है, और उसमें एक विशेष बात मुझे लगता है ये थी कि हम लोग हमारी ही ताकत का पूरा उपयोग नहीं कर पाए, मुझे आज भी वो बात खटकती है, वो पूरा उपयोग करने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स थे, बहुत बढ़िया थे, डॉक्टर्स थे, वकील थे, जज थे, लेकिन राजनेता कम थे और उनकी कमी थी जो सज्जन सच्चील राजनेताओं की। उसे लगता है ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि नए लोग और नई राजनीति विकल्प नहीं ला सकती है, लेकिन इसलिए क्योंकि इर्द गिर्द के परिवेश को जानते बिना हम गांव में पाँव भी नहीं रखते, तो उस प्रकार से इन चुनाव के रण मैदान में पाँव रखने के पहले थोड़ी और अच्छी रणनीति बनाने की बात अगर होती और आज के आगे भी होती है, और उसके लिए वो बैकअप सर्विस नहीं वो फ्रंट रो सर्विस अगर हमको मिल पाती है एक दूसरे से या अन्यून से, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। और वो कमी किस किस प्रकार की थी, एक तो ये चुनाव भी
हार्ड नहीं तो सॉफ्ट जिसका नजरिया रखा गया, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी जी ने लड़ा। और वो भले अयोध्या का राम मंदिर का नाम नहीं लिए, पर उनके मैनिफेस्टो में था वगैरह वगैरह, छोटी बातें उनके तो बहुत विश्लेषण कर चुके, लेकिन एक संदेश उनके भगवे रंग से लेकर हर प्रकार से गया है। और हम लोग मेरे ख्याल से उसको जितने खूबी से काउंटर करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, शायद ये बात हर जगह नहीं हो पाई। ज़रूर मुस्लिम समाज ने ये सोचा, माइनॉरिटीज़ ने ये सोचा और खुद होकर हमें समर्थन घोषित किया, कम से कम मुझे मुंबई में तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह, जिसके लिए हम पर पेड न्यूज़ का आरोप लगाया, इतनी उनके न्यूज़ छपी जो पेड नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद हम उनके साथ एक वाराणसी में मैंने देखा कि बहुत अच्छी बातचीत हुई, मैं भी दो दिन थी तो उनके बहुत सारे नुमाइंदों को मिली, नेताओं को मिली। लेकिन ये ज़रूरी था कि राष्ट्रीय स्तर पर से लेकर लोकल स्तर पर ऐसे जो एक क्रिटिकल मासेस और समूह थे उनके साथ हमारी अलग सी बातचीत हो। उसे बुला तो रहे थे पर समय किसके पास था, हमको हर गली में पहुंचना था, हम हर स्लम में पहुंचना था, हम हर सोसाइटी में पहुंचना था या नीचे से सबको हाथ दिखाना था, हम इसमें पड़े रहे। जो बात दिल्ली में कामयाबी लाई भी, और इसीलिए सभी लोग घर घर पहुँचना डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर में कहते, मुझे लगता है हम लोग समूह टू समूह, ये जो एक वोट बैंक बनाने वाले समूह हैं उन तक नहीं पहुँचे जितने खूबी से और एक ताकत से पहुँचना चाहिए था। और वो बात जो हमारे पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं है, इसलिए तो हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहिए नहीं चाहिए इसके लिए संकल्प पत्र पढ़ते रहे, तमाम जन आंदोलनों के साथ ही पूछते रहे कि दलितों के आरक्षण की बात है कि नहीं। इसलिए आज एक उम्मीदवार ने हमारे ग्रुप में जब उसके विरोध की बात की तो मैं थोड़ी चौंक गई, और ये चौंकना कई देश के कोने कोने में हो रहा था। क्या माइनॉरिटीज़ के लिए आपके पास कोई विशेष कार्यक्रम है? क्या आपकी कमिटियों में महिलाओं को जगह होगी? ऐसी बात कोई कोई घटना और वक्तव्यों का लेकर 10 बार पूछी जाती थी, और हम जैसे को ज़्यादा ही पूछी जाती थी, तो उसका जवाब देते देते और डिफेंड करते करते हम जब उतरे चुनाव में, तब इन इन बातों को जरूर रखे हमने सामने, लेकिन जितने प्रभावी प्रचार इन चीज़ों का होना चाहिए था मेरे ख्याल से नहीं। एक बार अरविंद जी के कन्नमवार नगर की बड़ी हज़ारों के आम सभा में ज़रूर हमारे सुझाव पर उन्होंने वो बात स्पष्ट की, वो भी काफ़ी मुद्दा गया, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये जो राजनीति में और वोट की राजनीति में जो तबके बने हुए हैं और जिनके कारण हमको हर दरगाह, हर पीर, हर मंदिर, हर गुरुद्वारा जाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स मजबूर करते रहे, जो मैंने कभी किया नहीं था, मैं साफ कहती हूँ, लेकिन वो बातों को हम भूल या नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये सबक मुझे सीखने मिला। अब वो करना है कि नहीं करना है ये दलीय चुनावी राजनीति में उतरते हुए ही तय करना चाहिए, और ये हमारी आगे की चुनौती है। ज़रूर हम लोगों ने एकदम दिल और दिमाग पूरा उसमें लगाया, इतना कि आंदोलन के लिए काफ़ी नुकसान भी भुगता और आज भी भुगत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब इसमें पढ़ने का तय किया तो हमारे पास जो ताकत थी वो एक बाजू आंदोलन के पहले के जुड़े हुए साथियों की थी, और दूसरी बाजू नए सिरे से आम आदमी पार्टी में आए हुए एक बहुत जोशपूर्ण, अलग कम अधिक सोचे सुलझे, लेकिन एक बदलाव की राजनीति को की धुन लेकर आए हुए लोगों की थी। अब इन दोनों में ज़रूर फर्क था, वो किसी को भी समझने जैसा था, लेकिन इन इन दूरियों को हम मिटा पाए क्या? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो हम बहुत हद तक उसको मिटा पाए, और कोई ऐसा क्वचित ही एक हद शब्द इधर से उधर गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि और कॉन्शियसली और सुलझे और समझे हुए हम लोगों को इसकी प्रक्रिया आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक चुनाव क्षेत्र से लेकर फिर 6 चुनाव क्षेत्रों में महाराष्ट्र के और 5 राज्यों के चुनाव क्षेत्र में हमारे चुनाव होने के बाद गई, और इन तमाम जगहों पर वही छोटे मोटे हमारे अनुभव जो विशेषतः चुनाव के बाद काउंटिंग तक और आज तक चल रहे हैं उसको लोगों ने दोहराया,
मुझे लगता है सब लोग यहाँ बोल नहीं पाए और क्यों इतने उत्साह से देशभक्ति से और परिवर्तन की बात हो रही है तो और निगेटिव बातें कौन क्यों कहे, ये सबके मन में होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पर हमको जरूर सोचना होगा क्योंकि वो कल की चुनौती चुनाव के पहले की जितनी नहीं थी वो आज की चुनौती है, क्योंकि ये एक प्री दिसंबर और पोस्ट दिसंबर वाली बात नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया की बात है। राजनीति अगर हम व्यापक अर्थ से केवल चुनाव तक सीमित नहीं मानते हैं तो अलग अलग प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन, अलग अलग प्रकार से कानून को गठित करने में संसद बाह्य या संसदीय राजनीति में लगे हुए लोग इसमें हैं और इसलिए इन सबके एक एकता और समन्वय होना बहुत जरूरी है। और उल्टा जो ज़्यादा साल से काम करने वाले लोग हैं उसे लगता है कि ट्विटर पर या कहीं 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 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो उसे जरा हमको संभल कर सोच कर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। और आज पार्टी के सामने ये चुनौती है कि जिनके साथ लोग भले चुनाव में वोट डाले नहीं हो लेकिन है, उनको हमारे साथ हमारे नए पीढ़ी के साथ राजनीतिक दृष्टि से नई पीढ़ी के साथ कैसे जोड़े। और ये करने के लिए दोनों को अपनी पूरकता समझने की ज़रूरत है। जहाँ ये पूरकता नहीं समझेगी कि हमारे साथ जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स कहने वाले ऐसे नए सिरे से युवा ही नहीं केवल आईटी वाले तो डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स से सब जुड़ रहे हैं, वो हमारी ताकत है। कुछ कलाकारों को अपने मंच पर लाने के लिए तरसते हैं आंदोलनकारी भी कभी कभी, आज कई सारे कलाकार भी जुड़ गए हैं प्रतिनिधित्व करने की तमन्ना रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम अलग अलग तबकों के लोगों को जोड़ना, पर साथ ही साथ वंचित पीड़ित शोषित समाज के तबकों को न भूलना, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है।